रहीम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम जी फाइनेंस की जान छोड़ रहे हैं, लेकिन वक्तन फवक्तन रिविज़िट करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा चीज़ों के अंदर वैल्यू ऐड करेंगे ताकि आप और ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाएं। जैसे एक वीडियो आपने देखी कि जिसके अंदर मैंने आपसे इंटरेस्ट रेट के ऊपर एक कंसोलिडेटेड गुफ्तगू की, तो इसी तरह का कुछ काम थोड़ा थोड़ा इंशाल्लाह ताला साथ साथ करेंगे। तो हम चलते हैं जी चैप्टर नंबर 4 की तरफ, ठीक है। इससे पहले आप चैप्टर 2 भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 10 भी पढ़ चुके हैं, चैप्टर 4 एंड 5 भी हमारा हो गया है। तो आगाज़ करते हैं 5 एंड 6, ठीक है। तो 4 आज हम आगाज़ कर रहे हैं। 4 चैप्टर को अगर हम देखें तो ये है प्रोग्रेशंस का, सीरीज़ का एक चैप्टर है, जिसके अंदर हमें सीरीज़ के ऊपर हम थोड़ी सी, सीक्वेंस के ऊपर हम थोड़ी सी बात करेंगे। जैसे अगर मैं सीक्वेंस को डिफ़ाइन करूँ तो मैं कह सकता हूँ इट इज़ अ लिस्ट और सेट ऑफ नंबर अरेंज इन डेफिनेट ऑर्डर, डिफाइंड ऑर्डर, कोई सीक्वेंस मौजूद हो, ताकि हमें, हम उस सीक्वेंस को देखकर फोरकास्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, पहला नंबर है, आखिरी नंबर है, कोई और इस तरह की चीज़ें, इस तरह की अलाइट सी एक टर्म्स जो है उसको हम डिफाइन करते हैं। अच्छा जी, हमारे पास वैसे तो मैथमेटिक्स में हम सीक्वेंस प्रोग्रेशंस में बहुत सारा कुछ बातें कर सकते हैं, लेकिन हमारा सिलेबस में आसानी है ज़रा आपके लिए, दो चीज़ें हमारे सिलेबस में शामिल हैं। वन इज़ कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ए पी हम उसको मुख्तसर करके बोल देते हैं, एंड अदर इज़ कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जी पी हम उसको बोल देते हैं। तो ये दो मेन एजेंडा है हमारे पास सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए पी, प्रोग्रेशन इंडिकेट कर रही है कि कोई सीरीज है। एन ए पी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फिक्स्ड नंबर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस टू द प्रीसीडिंग नंबर। पिछले वाले नंबर में कोई हम फिगर ऐड करें तो नया नंबर आ जाए, ठीक होगी बात। दिस इज कॉल्ड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा जी, कैसे जी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की एग्जाम्पल अगर मैं लूँ, मैं आपके साथ कहता हूँ जी 3, 7, 11, 15, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है? अगर मुझे ये चीज़ मालूम करनी हो तो मेरे पास एक जो मेथडोलॉजी है जिसके ज़रिए से आप इसको देखेंगे। हम क्या करते हैं, जो ये सीरीज़ चल रही है ना, जो ये सीक्वेंस चल रही है, इसमें कोई भी बाद में आने वाली टर्म में से उससे एडजेसेंट पहले वाली टर्म को माइनस कर दें। मसलन मैं आखिरी वाली को पिक करता हूँ, 15 में से मैं 11 माइनस कर दूँ, या 11 में से 7 माइनस कर दूँ, या 7 में से 3 माइनस कर दूँ, तो ये भी 4 आंसर है, ये भी 4 है, ये भी 4 है। दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। हर नए नंबर में से अगर पुराने वाला नंबर माइनस कर दें तो जो आंसर आ रहा हो वो सेम आ रहा हो। इसका मतलब है हर नया नंबर 4 ऐड करके आ रहा था, इसका मतलब है 15 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, तो 4 ऐड कर दीजिए, 19 हो गया। 19 के बाद नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 4 ऐड कर दीजिए। तो इसको हम एक सीक्वेंस बोल रहे हैं, लेकिन इस स्पेसिफिक सीक्वेंस का नाम क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ए पी। अच्छा जी, सिमिलरली अगर मैं कहूं कि एक और एग्जांपल ले लेता हूं, मैंने एग्जांपल ली तो मेरे पास आ गया जी 8, 2, -4, -10 इज एन ए पी। ए पी मीन्स अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। पता नहीं प्रोग्रेशन है या नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा? हमें ऐसे पता चलेगा किसी भी बाद वाली फिगर से पहले वाली फिगर माइनस कर दें, मतलब मैं 10 से एंड से स्टार्ट करूँ, -10 और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, -4 जो था तो मैंने माइनस किया इज इक्वल टू -4, -2 इज इक्वल टू 2, -8। तो अगर आंसर लीजिए -6, -6, -6
एट आई माइनस सिक्स, ये कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, कॉमन डिफरेंस सेम आएगा हमेशा, ये बात याद रखनी आप, कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल आएगा। अच्छा वो जो हमने एक लफ्ज पीछे डेफिनेशन में आई है, एन एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन बाय एडिंग सम नंबर। अच्छा एडिंग का मतलब एडिशन ही जरूरी है, नाउ वी आर एडिंग माइनस सिक्स, बात फॉलो करें, इसलिए सब्ट्रैक्ट होता जा रहा, एट में माइनस सिक्स ऐड किया तो मेरे पास टू आ गया, टू में माइनस सिक्स ऐड किया तो मेरे पास माइनस सिक्स फोर आ गया, माइनस फोर में माइनस सिक्स ऐड किया तो माइनस टेन आ गया, माइनस टेन में माइनस सिक्स ऐड करूंगा तो माइनस सिक्सटीन आ जाएगा एंड सो ऑन। इसका मतलब है एडिंग का ये मतलब नहीं है कि पॉजिटिव फिगर हो, वी माइट ऐड नेगेटिव फिगर, माइट बी पॉजिटिव माइट बी नेगेटिव, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बात फॉलो करें, ओके। सिमिलरली हम कह सकते हैं एक और फिगर ले लेते हैं, कितना कॉमन डिफरेंस आ गया माइनस सिक्स। अब देखिए जी एक और ले लेते हैं जी, 50, 45, 40, ये सीक्वेंस चल रही है ना, नंबर बढ़ रहा है कि कम हो रहा है, कम हो रहा है, 50 से 45 पर आ गए, 45 से 40 पर आ गए, इसका मतलब है पहले तो वैसे ही देख सकते हैं माइनस फाइव हो रहा है, बेसिकली माइनस फाइव ऐड हो रहा है, इसका मतलब है 35 से आगे क्या आएगा 30, फिर क्या आएगा 25, फिर क्या आएगा 20, सो दिस इज अ एपी सीरीज। एपी की पहचान क्या है, कोई सी बाद वाली फिगर से पहले वाली फिगर माइनस करें, दो कंजेक्टिव फिगर से ऐसे करें तो कॉमन डिफरेंस सेम आएगा, भले पॉजिटिव में आ रहा हो भले नेगेटिव में आ रहा हो। अच्छा अब एक बात और भी याद रखें, अब आप फिर दोबारा एक सिंपल आसान मैथमेटिक्स में आ गए हैं, वो जो एक थोड़ा सा था ना जान लगाने वाला मैथमेटिक, ज़्यादा समझने वाला मैथमेटिक, फाइनेंस का पोर्शन वो अब ख़त्म हो गया, अब फिर आप दोबारा रूटीन में आ गए हैं, आसान आसान चीज़ें हैं। अच्छा मार्क्स सारी जगह से ही आ रहे होते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन सारी जगह से ही आ रहे होते हैं, तो इसलिए आप वैसे तो हमने बड़ी कोशिश की कि फाइनेंस आपको समझ आए, बड़ा अच्छा सा समझ आए, लेकिन अगर कहीं थोड़ा सा स्ट्रगल भी हो रहा था ना तो परेशानी निकाल दें। मैं एक वर्ड बोलने लगा हूँ, बच्चे मुझे अभी नहीं कहना चाहिए ये बात, रिविजन्स वगैरह में हम बच्चे को समझाते हैं, अगर खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को फाइनेंस का एक लफ्ज़ भी नहीं आता तब भी वो QM पास कर सकता है, आपको तो बहुत कुछ आता है, ठीक है, अभी हम इसके और रिविजन भी करवा देंगे, सारा कुछ भी होगा इंशाल्लाह। तो जी हमें समझ आ गई कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी होता क्या है, एन एपी इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर इन विच एवरी नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग सम फिक्स्ड नंबर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस, किसमें ऐड करना है टू द प्रीसीडिंग नंबर। देखिए जरा यहां भी देखिए क्या हुआ, ये मेरे पास एक कोई क्वाइन था कोई ब्लॉक था, मैंने इसमें दो ब्लॉक ऐड किए तो वन के बाद थ्री आ गया, फिर मैंने दो ब्लॉक ऐड किए, ये देखिए एडिशन, इक्वल एडिशन, इक्वल एडिशन। तो अगर हम सीरीज को कहीं ग्राफिकल स्टाइल में देखना चाहें तो इससे भी समझ सकते हैं कि देखिए अर्थमेटिक एपी कैसे चल रही है, सेम बात ऐड हो रही है। अच्छा अगर मैं इधर से वापस आना शुरू कर दूँ, तवज्जो करें, इसमें से दो ब्लॉक निकाल दूं तो यहाँ पहुँच गया, इसमें से दो ब्लॉक निकाल दूं इसका मतलब है माइनस टू ऐड हो रहा है, तो ऊपर जाते हुए आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर सकते हैं पॉजिटिव एडिशन नेगेटिव एडिशन, बात समझ रहे हैं। तो एक्चुअली दिस इज द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अच्छा जी समटाइम तो सवाल इतना ही आसान आ जाता है ना एग्जाम में, वो कहता है जी एक सीरीज पढ़ी है बताइए एपी है, या हमारे पास एक जीपी आ जाएगा उसकी भी पहचान आगे चल के पढ़ेंगे, तो एग्जामिनर आपसे कह रहा होता है कि बताइए इसमें से एपी है या जीपी है, तो कैसे वेरीफाई करना है, बाद वाली फिगर से पहले वाली माइनस करें, फिर किसी और जगह से बाद वाली फिगर से पहले वाली, अगर दोनों का डिफरेंस बराबर आ रहा है कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो दिस इज एन एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ओके। अच्छा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में हमने पढ़ना क्या है, तीन काम इन टोटल सीखने हैं। एक फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिखा है, nth टर्म होती क्या है, क्या कोई सीक्वेंस चल रही है, जैसे अगर मैं चलें यहीं वापस आ जाता हूं, कोई एक सीक्वेंस लिख लेते हैं, लाइक ये पहले वाली सीक्वेंस ले लेता हूं, ठीक है,
तो मैं कहता हूँ जी बतलाइए, ये पहली टर्म है मेरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे चल रही है। मैं कहता हूँ बताइए 20th नंबर पर जो नंबर आएगा वो क्या होगा, या बताइए अगर मैं ऐसे ही चलता जाऊँ तो 50th नंबर पर क्या डिजिट आएगी, या 100th नंबर पर क्या डिजिट आएगी। दिस इज कॉल्ड nth टर्म। यानी मैं नीचे वाला, ज़रा गौर कीजिए मेरे साथ, ये जो ऊपर लिखा हुआ है 3, 7, 11, 5, ये वैल्यू है। पहली टर्म की वैल्यू क्या है? 3। दूसरी टर्म की वैल्यू क्या है? 7। तीसरी टर्म की वैल्यू क्या है? 11। मैं कहता हूँ 20th टर्म की वैल्यू क्या होगी आपने मालूम कर, 50th टर्म की वैल्यू क्या होगी आपने मालूम करनी। कैसे मालूम करनी है? ये फार्मूला आ गया हमारे पास, दिस वन, ए एन इज कॉल्ड nth टर्म इज इक्वल टू ए, ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, एन इज नंबर ऑफ टर्म, डी इज कॉमन डिफरेंस। देखिए मैं एब्रीवेट कर देता हूं, ए एन मीन nth टर्म, लेकिन nth टर्म की वैल्यू, नंबर नहीं, वैल्यू, वैल्यू ऑफ nth टर्म। ए मीन्स वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म, एन मीन्स नंबर ऑफ टर्म, 20, 30, 50, 100, whatever. D means common difference, वो जो हमने निकाला था। और हमने कहा जी कॉमन डिफरेंस क्या होगा? सेम हो। इसका मतलब है अगर हमें कोई टर्म निकालनी पड़ जाए तो हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। या अब आप मेरे साथ उधर फाइनेंस भी पढ़ाए हैं, इक्वेशन में हमने काफी काम किया, कितनी चीजें लिंक हुई जी इस फॉर्मूला में, जरा खड़े होकर सोचिए कितनी चीजें लिंक हुई, सोचें शाबाश। चार चीजें, nth टर्म की वैल्यू, पहली टर्म की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म्स, कॉमन डिफरेंस, 1, 2, 3, 4। तो आपको पता है इक्वेशन का बुनियादी उसूल, कोई सी तीन चीजें दे दें तो फोर्थ वन हम कैलकुलेट कर लेंगे। इसका मतलब है वो जो हमने एनवीटी वगैरह के अंदर देखी है, हर फार्मूले में हम कहते हैं कितने वेरियंट के क्वेश्चन बन सकते हैं। समटाइम डायरेक्टली पूछा जाए जी बताइए पांचवीं टर्म क्या होगी, 10th टर्म क्या होगी, 20th टर्म क्या होगी, ओके, या 20th एक वैल्यू दे दूं, मैं कहूं जी 500 एक डिजिट आ रही है, बताइए किस नंबर पर आ रही है, एन मालूम किया जा सकता है, बताइए ये है, डी कॉमन डिफरेंस। यानी वही वाली बात, कोई सी चार चीज़ों में से एक मिस करके अगर एग्जामिनर चाहे तो हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। nth टर्म, nth टर्म, देखिए फाइंड द 20th एंड 35th टर्म ऑफ सीरीज। सीरीज क्या है? 38, 36, 34। तीन डिजिट दे दिए जाएं तो सीरीज वेरीफाई भी हो सकती है, वैसे तो दो से भी कहा जा सकता है कि सीरीज आ गई, लेकिन अगर हमने वेरीफाई करनी हो कि यार ये सीरीज है कि नहीं है, तो फिर तीन कंसेक्टिव डिजिट हो तो वेरीफाई हो जाएगी। क्यों? कि हम इन दो से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, फिर इन दो से कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, अगर ये आ गया बराबर तो हम कहेंगे जनाब ये क्या है? एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। मसलन देखिए जी 36 माइनस 38, अगर ये 34 माइनस 36 के बराबर हो, -2 = -2, कॉमन डिफरेंस इज सेम। अच्छा जी चलें, अब मैं पहले वाला सवाल हल करता हूँ। ए गिवन है मुझे, ए मीन्स फर्स्ट टर्म 38, ए गिवन है, डी गिवन है कॉमन डिफरेंस -2, एन गिवन है 20th टर्म 20, क्या निकालना है? ए एन निकालना है, यू कैन से ए 20 निकालना है 20th टर्म। तो बड़ा सादा सा काम है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है, ऐसे ही है ना, जरा तवज्जो रखनी है बाबू। अब ये डाटा हमने, बड़ा आसान हो गया हमारे लिए, ये डाटा उठाकर हम यहाँ पुट कर देते हैं, A 20 जो कि हमने निकालना है इज इक्वल टू A क्या है
38 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 इंटू माइनस 2, ऐसे ही है। अब आप कैलकुलेटर से कर लें, आपका मैथ अच्छा है वैसे ही कर लें, ठीक है ना। तो क्या आंसर आ गया जी, बेसिकली क्या आंसर आ गया हमारे पास, 19 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 प्लस 38 इज इक्वल टू 0। सो 20th टर्म इज 0, क्योंकि माइनस था ना कॉमन डिफरेंस, तो हमारा नंबर नीचे नीचे यहाँ से भी नज़र आता 38 के बाद डाउन गए 36 34, 2 के जंप के साथ हम डाउन जा रहे हैं, माइनस टू, तो कहीं जीरो भी तो आया होगा। ओके ठीक होगी बात, क्लियर होगी बात। या वो कहते हैं जी 35th टर्म निकालने, तब कुछ नहीं करना, बाकी सारा कुछ तो वैसे ही है। देखिए जरा 35th निकालनी होती तो क्या करते, ए 35 इज इक्वल टू 38 प्लस 35 माइनस 1 इंटू माइनस 2, ये आंसर आ गया आपके पास, ठीक है ना। 34 मल्टीप्लाइड बाय माइनस 2 प्लस 38, सो 35th टर्म इज माइनस 30। बात समझ लें, जो मैं बात आपसे कह रहा हूँ पहले इसको नोट कर लें एक बार। तब आपने, मैं डेली आपको गाइड कर रहा हूँ, आपने इन वीडियोस को क्लासरूम के स्टाइल में लेकर चलना है, आपने इन वीडियोस को क्लासरूम के स्टाइल में लेकर चलना है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, आपने इन वीडियोस को क्लासरूम के स्टाइल में लेकर चलना है, साथ साथ काम करना है, नोट करना है, अपने साथ कैलकुलेटर रख के बैठिए ताकि आप ज़रा लर्निंग का आपका फेज़ मुकम्मल हो। देखिए अब मैं यहीं से थोड़ा सा आपको ज़रा इसी से वो बनाते हैं, ये सीक्वेंस थी ना जी आपके पास। अब सवाल आ गया कि बतलाइए -50 कब आएगा, यानी ज़रा तवज्जो रखिए, वैल्यू दे दी है, वो कहता है -50th कौन सी टर्म है। इसका मतलब ये हुआ, आप ऐसे समझिए ए एन गिवन हो गया है -50, ए गिवन है ऑलरेडी 38, डी गिवन है ऑलरेडी -2, क्या निकालना है, एन निकालना है कि इसका नंबर क्या है, इसका नंबर क्या है। nth टर्म जो निकालनी है उसकी वैल्यू तो गिवन है, उसका नंबर मालूम करना। पहले हम क्या कर रहे थे, नंबर मालूम था, 20th नंबर है, वैल्यू मालूम करनी थी। अब रिवर्स हो गया, वैल्यू मालूम है -50, नंबर मालूम करना, ठीक होगी ना। तो जनाब कीजिए, करें डाटा पुट आप इसके अंदर और देखते हैं कि कैसे ये सारा कुछ आ रहा है। चले पुट कर देते हैं जी, -50 इज इक्वल टू 38 प्लस एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 2। आप रीअरेंज कर लें, या वो जो हमने कैलकुलेटर में निकालना सीखा था इक्वेशन सॉल्व करना, वो भी आप कर सकते हैं। देखिए मैं उस तरह ही पुट करता हूँ, 38 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट अल्फा एक्स माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज, फिर ब्रैकेट स्टार्ट -2 ब्रैकेट क्लोज। इक्वेशन मैंने पुट कर दी ना, इक्वेशन हमें फाइनेंस में सारा ये कर, शिफ्ट सॉल्व इक्वल, तो आपके पास आ गया एक्स इज 45। तो कह रहा है कि -50 का जो नंबर है वो 45 है, 45th टर्म है। 20th जीरो हो गई थी ना, 20th जीरो हो गई थी, तो 45 कौन से नंबर पे आएगी, सॉरी 50 कौन से नंबर पे आएगा, 45th नंबर पे आएगा। ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते। तो कहने का मतलब ये हुआ कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। मसलन इसी डेटा से समटाइम एग्जामिनर आपको डेटा, वो वेरिएंट वाली बात करूं, डेटा आपको एग्जामिनर ऐसे दे देगा। मसलन आपको कहता है जी ए 20 जीरो है, कोई भी वैल्यू बता दो, ए 20 जीरो है, ए 38 है, एन
75th है, तो डी बताइए। नहीं, एन तो फिर 20 होगा ना, क्योंकि उधर हमने 20 की वैल्यू ली है, एन इज 20, 20th टर्म जीरो थी ना, तो बताइए डी क्या है। यानी वो ये कह रहा है कि कोई एक सीरीज है जिसकी 20th टर्म जो है वो जीरो है, पहली टर्म 38 है, डी बताइए क्या है। तो आपने ये डेटा उठा के पुट कर दिया, जीरो इज इक्वल टू 38 प्लस 20 माइनस 1 इंटू एक्स, यहाँ से आपका एक्स आ जाएगा माइनस 2। वही वेरिएंट वाली बात है, और कोई लंबी चौड़ी उसको नहीं कर रहे। हाउ टू कैलकुलेट वेरिएंट, ए निकलवाया जा सकता है, एन निकलवाया जा सकता है, डी निकलवाया जा सकता है, तो इस तरह से आपको इसको देखने की जरूरत है। चलिए जी आगे चलते हैं। अब आप करेंगे इसको, फाइंड 27th एंड 41th टर्म इन द सीरीज 5, 11, 70। सबसे पहले क्या निकालना है, डी निकालना है। 11 माइनस 5 शुड बी इक्वल टू 17 माइनस 11। पहले तो इसको वेरीफाई कर लें, ठीक है ना। अच्छा, नंबर देखकर भी देखिए, अमाउंट बढ़ रही है कि कम हो रही है, 5 के बाद 11, 11 के बाद 17, इसका मतलब है कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है ना। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अब आप पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस रखते हुए इस सीरीज को ले लेंगे, तो हमारे पास पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो सीक्वेंस के ऊपर या नीचे जाने से भी नजर आ रहा होता है। तो क्या आ गया जी, 6 इज इक्वल टू 6। तो व्हाट इज ए, व्हाट इज ए, 5। व्हाट इज डी, 6। एन 27। क्या निकालना है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, ए एन कैलकुलेट करना, वैल्यू निकालनी। क्लियर होगी ना बात, ओके। इसी तरह से जी 13th एंड 109 टर्म सीरीज या इजीली कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं। एक काम हो गया, मैंने कहा तीन बड़े काम करने, एक हुआ, इसको हम कहते हैं nth टर्म कैलकुलेट करना, ठीक है। वैसे इसके चार वेरिएंट हो सकते हैं क्योंकि चार चीजें लिंक हुई, ओके। कोई नंबर किसी किस नंबर पे आएगा, या फुलान नंबर किस सीक्वेंस में आएगा, इस तरह की बातें कैलकुलेट करें। अब हमने जो दूसरा टास्क है वो ये है कि अगर कोई सीरीज है तो उसको ऐड करना, मतलब ऑल इवन नंबर, ऑल ऑड नंबर। तो मैं कहूँ जी पहले 50 इवन नंबर का सम बता दें, अब मैंने सब कुछ ऐड करना। तो सम के लिए, सम ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, कोई एक नंबर ऑफ टर्म, पहली 5, पहली 10, पहली 50, तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, सम इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1d। ये हमारे पास बेसिक फार्मूला है किसको, सम कैलकुलेट करने के लिए। अच्छा, ये फिर एक हमारे पास ऑल्टरनेटिव फार्मूला है। पहली बात, ये फार्मूला कहाँ लगेगा, जब हमें कितनी चीजें गिवन हो, n गिवन हो, a गिवन हो, d गिवन हो। बात समझ आ गई, तो टोटल चार चीजें हैं, इसका मतलब है यहां भी वही वेरिएंट बन गई। हमारे पास सम कैलकुलेट करने का एक ऑल्टरनेटिव फार्मूला ये भी है, सम इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ये एल लिखा हुआ, ए प्लस एल, ए मीन्स फर्स्ट टर्म, एल मीन लास्ट टर्म, यानी जिस टर्म से जिस टर्म तक का हमने सम लेना हो उसकी बात हो रही है। अभी वन बाई वन देखते हैं, पहले हम इस फार्मूला की गुफ्तगू करते हैं। सम इज इक्वल टू एन बाई 2 टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बात समझ आ रही है, ओके। चले क्वेश्चन के एंगल से देखते, देखिए, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 30 मल्टीपल्स ऑफ 4। पहली बात, मल्टीपल्स ऑफ 4 का क्या मतलब हुआ, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर 2 से करें, फिर 3 से करें, या ऐसे कहिए 4 से स्टार्ट लें फिर इसमें 4 ऐड करते जाए। दीज आर द मल्टीपल्स ऑफ 4, यानी 4 का जो टेबल है दैट इज द मल्टीपल ऑफ 4 ना, 4 मल्टीप्लाइड बाय 1, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3।
आपको पता है टेबल में भी जब हम छोटी क्लासेस में थे, अगर कोई टेबल याद नहीं होता था तो क्या करते थे, ऐड कर करके टेबल डिजाइन कर देते थे ना। ओके, सो व्हाट इज, अब देखिए यहाँ से माइनस करूँ, 8 - 4 इज इक्वल टू 12 - 8, 4 इज इक्वल टू 4, सो डी इज 4, व्हाट इज ए 4, व्हाट इज एन 30, क्योंकि फर्स्ट 30 मल्टीपल था। बात समझ आ रही है, इनको ऐड करके बताना इनका सम क्या आ रहा है, तो क्या सम का फॉर्मूला, सम इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a + n - 1d, ये फॉर्मूला। एन कितना है जी, कितनी टर्म्स ऐड करनी है, 30, सो 30 / 2 इज इक्वल टू 2 × 4 + 30 - 1 × 4, इसको कैलकुलेटर से सॉल्व कर दीजिए, क्या ख्याल है, तो हमारे पास सम आ जाएगा, उस सीरीज का सम आ जाएगा। अच्छा जी चलें, ये क्या आ गया जी, 15 × 8 + 29 × 4, दैट इज 116 + 8 × 15, सो सम इज 1860। सम ऑफ फर्स्ट 30 × 4 इज 1860, ये वो सम का फॉर्मूला। तो कोई बड़ा लंबा चौड़ा काम तो इसमें है नहीं। ओके चलिए एक और देते हैं, द सम ऑफ फर्स्ट 15 नेचुरल नंबर। नंबर वन, व्हाट आर नेचुरल नंबर, चलिए अब आपको क्लास 3-4 भी मैंने ही पढ़ानी। नेचुरल नंबर हम किसको कहते थे, ये वो नंबर हैं जो नेचर में हम किसी चीज को काउंट करें तो कैसे करेंगे, नेचर में हर चीज होल्ड है, मुकम्मल है। मतलब अगर मैं ह्यूमन बीइंग काउंट करूं 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे तो नहीं काउंट हो सकता, 1, 2, 2.5, आधा इंसान कोई नहीं है, आधा पेड़ कोई नहीं है, हाफ एनिमल कोई नहीं है, तो पॉइंट्स नहीं है और जीरो नहीं है, वन। नेचुरल नंबर मीन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसीलिए इनको नेचुरल नंबर बोलते हैं कि नेचर में से जब हम कोई चीज काउंट करेंगे तो ऐसे ही काउंट करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, पॉइंट्स नहीं आएंगे, डेसिमल नहीं आएंगे नेचुरल में। ओके, इसका मतलब है वो ये कहना चाह रहा है कि 1, 2 इन सबको ऐड कर दें जी, प्लस प्लस प्लस। अच्छा एक मजे की बात, हम बहुत सारे आपको छोटे छोटे टोटके बता देंगे, बाद दफ़ा ये सब्जेक्ट नहीं भी आता, आपको नेचुरल नंबर समझ आ गया तो कैलकुलेटर पे भी ऐड कर लेते हैं जी, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ऐसे भी तो हो सकता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं है, बड़ा आसान सा टॉपिक है। अच्छा जी देखिए, ए क्या है, 1, डी क्या है, 1, पॉजिटिव 1, एन क्या है, 50, बात समझ रहे हैं, तो लगा दें फार्मूला जनाब, सम इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2a + n - 1 × d, एन इज 15 × 2 × 1 + n 15 - 1 × 1, बात समझ आ गई ना। ओके तो ये आ गया जनाब अली 7.5 × 2 + 14, तो ये आ गया जी 16 × 20, ठीक हो गया ना, आसान। मैंने आपको बताया ना, अब ये फाइनेंस वाला एनुइटी परपेचुइटी इतना कुछ देखना कुछ नहीं, ये सादा सा सवाल है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं। वो बच्चे जिन्होंने बायो भी पढ़ी हुई उन्हें भी कोई इतना लंबा चौड़ा इसमें मामला नज़र नहीं आएगा, और वैसे तो कुछ FSC के अंदर आप लोग सीरीज और ये वाली चीज़ें पढ़कर भी आए हुए होते हैं, तो कोई ऐसा इशू नहीं। हाँ ये भी हो सकता था, देखिए ज़रा अब यहाँ से सवाल बनाना शुरू करते हैं, वेरियंट वेरियंट वेरियंट, मैं ऐसे डेटा लिखता हूँ, अब वो मुझे ऐसे सीरीज ना बताता, वो कहता जी ए इज 1, डी इज 1, सम इज 120,
तो बताइए कितनी डिजिट्स हैं जिसका ये हमने सम निकाला है। मेरी बात फॉलो कर गए? अब सवाल कोई इस तरह डिज़ाइन हुआ ना, कैसे डिज़ाइन हुआ जी? सवाल डिज़ाइन हुआ कि जनाबे अली आपके पास ए जो है वो क्या है, वन है, और आपके पास डी क्या है वो भी वन है, आपके पास सम क्या है 120 है, और आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है बताइए कितने डिजिट्स हैं जिनका ये सम है। तो जाहिर है मैसेज चलेंगे एस इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब सम गिवन है 120 इज इक्वल टू एन निकालना है, एक्स बाई टू इंटू टू प्लस एक्स माइनस वन इंटू वन। अब इसे उठा के कैलकुलेटर में फीड कर दें, खुद सॉल्व करने की हरगिज जरूरत नहीं है। कैसे जी? कैलकुलेटर में इक्वेशन पुट कीजिए, 120 इज इक्वल टू डिवीजन का साइन ले लीजिए, अल्फा एक्स ओवर टू इंटू टू प्लस अल्फा एक्स माइनस वन। बात समझ आ गई? ओके अब करें जी सॉल्व, शिफ्ट सॉल्व इक्वल। तो आपके पास कैलकुलेटर ने बता दिया कि भाई आपने 15 सीक्वेंस के नंबर्स को सम किया हुआ है। ऐसे ए भी पूछा जा सकता है, डी भी पूछा जा सकता है, वही चार वेरिएंट वाली बातें तो आपको बड़े अच्छे से खुद भी समझ आनी चाहिए। ओके जी, नाउ द फर्स्ट टर्म ऑफ अदर, थोड़ा सा अब वो दूसरे वाले सवाल का भी जरा मैं देखता हूँ, उसको भी लेते हैं। द फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज इज 5 एंड लास्ट इज 45। ठीक है, जब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दी जा रही हो ना तो क्लू भी मिल रहा है कि वो सेकंड वाला फार्मूला भी इस्तेमाल हो सकता है अगर बीच में हमें एन भी गिवन हो। लेकिन खैर ये सवाल की तो पिच और है जरा। द फर्स्ट टर्म ऑफ अर्थमेटिक सीरीज इज 5, लास्ट इज 45। फिर वो कहता है इनका जो सम है ना वो 400 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म। चले मैं आपको दिखा देता हूँ क्या फार्मूला था जी, एस इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस फर्स्ट टर्म इंटू प्लस लास्ट टर्म। अच्छा जी, तो क्या फार्मूला था जी, एस इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल। कहां से क्लू मिला? बिकॉज लास्ट टर्म इज गिवन, क्लू मिला ना मुझे। ओके, तो अब क्या करूं, पुट कर दो। एस कितना है 400, एन निकालना है 5 प्लस 45। तो यहां से मैंने n, मेरे कैलकुलेटर ने निकाल के मुझे दे दिया n इज 16। कैलकुलेटर में पुट कर दें, सॉल्व कर लें, एक ही बात है। ये तो कोई बहुत अलग से लंबा चौड़ा काम नहीं। ओके, अगर यही सवाल यहां रुक जाता तो हम बता देते जी n इज 16, आपने 16 टर्म का सम लिया हुआ है, ठीक है ना। ओके, लेकिन उसने कहा व्हाट इज कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस तो इस फॉर्मूले में आ ही नहीं रहा, एस इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, इसमें तो कॉमन डिफरेंस आ ही नहीं रहा, यहां से तो कॉमन डिफरेंस नहीं निकलेगा। अब मैं कॉमन डिफरेंस के लिए क्या करूं, मेरे पास दो तरीके हैं। मेरे पास एक तो वो nth टर्म का फॉर्मूला भी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन, क्योंकि लास्ट टर्म गिवन है ना, लास्ट 45। ए क्या है, पहली टर्म भी गिवन है 5, ठीक है। एन कितनी है, 16 अभी निकाला आपने, तो डी निकल आएगा यहां से। सो द कॉमन डिफरेंस इज, बल्कि आप इसको सॉल्व भी कर ले, ठीक है ना, पॉइंट में लिख दें। वो तो आपने देखना है ना कि नीचे फ्रैक्शन में है, डेसिमल में है, कैसे, वैसे ही आप बना लेंगे उसको। कैलकुलेटर भी आपको कन्वर्जन की ऑप्शन दे देते हैं। इसका मतलब ये हुआ, इस तरह के सवाल में हमने दो स्टेप लगाए, पहले इस फार्मूला से क्या कैलकुलेट कर लिया, एन,
और फिर ए एन वाले फार्मूले से ए प्लस एन माइनस वन डी से हमने कॉमन डिफरेंस निकाल लिया। अब इसने खुद ही आपने इसे इस चैप्टर को अगर मुश्किल बनाना है तो इसे, ये चैप्टर तो मुश्किल नहीं है, हाँ आपका आर्ट तो अपनी जगह मौजूद है ना, आप चाहें तो किसी भी चैप्टर को मुश्किल बना सकते हैं कि जनाब नहीं पढ़ना जी, हमने हम पढ़ेंगे ही नहीं घर जाके, हम टीचर के साथ काम ही नहीं करेंगे, ओके फाइन, तो ये मुश्किल हो जाएगा खुद ब खुद ही। एक ऐसा आसान टॉपिक जो बिल्कुल स्ट्रेट सीधा आसान है, आपका जी चाहे आप उसे मुश्किल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ऑब्वियसली, तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना आपने, आपने इसको लेकर चलना है और आपने इसको साथ साथ सॉल्व कर लेना। चलें इसी पिच के ऊपर मैं एक दो सवाल आपको देता हूँ, या आप खुद से सॉल्व भी कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एन एंड कॉमन डिफरेंस डी व्हेन इन एपी द फर्स्ट टर्म इज 3 लास्ट टर्म इज 90 और सम, ये बिल्कुल सेम एडिटो कॉपी आ गया ना अभी जो सवाल हमने किया, तो लगा दें जनाब इसके ऊपर फार्मूला। सोच क्या रहे, लगा दें फार्मूला, क्या करूं, पहले स्टेप नंबर 1 सम इज इक्वल टू एन बाई टू इंटू ए प्लस एल, यहां से क्या निकाल लें, एन निकाल लें, और फिर ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी से डी निकाल लें। चलें प्रैक्टिस के लिए इसका सेकंड पार्ट, सम 24 है, फर्स्ट टर्म 9 है, लास्ट टर्म माइनस 6 है, ओके माइनस के साइन का थोड़ा ख्याल करते हुए चले जाएंगे, क्यामत तो फिर भी नहीं आएगी। लास्ट टर्म इज माइनस 16, सम इज माइनस 133, फर्स्ट टर्म इज माइनस 3, ओके वही फॉर्मूला उसी तरह ही चलना है, क्यामत तो यहाँ भी नहीं आ जाना, क्या ख्याल है, क्या आएगी, नहीं आएगी। तो आपने देखिए बस इतना सा काम किया नहीं, आपका चैप्टर तैयार हुआ नहीं, ठीक है, ये आसान चैप्टर है, ईजी चैप्टर है, इसको बिल्कुल आपने फाइनेंस नहीं बना देना ना पढ़ पढ़ के, इसको साथ साथ पढ़ने कम से कम। अच्छा जी चले एक छोटी सी बात करते हुए फिर इस लेक्चर को आज के को हम वाइंड अप करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी किसको कह रहे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को। अच्छा जी चले मैं एक प्रोग्रेशन पहले बनाता हूं फिर प्रॉपर्टीज आपके साथ डिस्कस करता हूं। देखिए 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। पहली प्रॉपर्टी क्या है, If a constant is added or subtracted from each term of an AP, then the resulting progression will also be an AP having the same common difference. देखिए जी वापस आते हैं, यहाँ common difference कितना है जी, 2, 2, 2, so D 2 है। ये property क्या करिए, अगर आप इन फिगर में इस पूरी सीरीज में एपी में कुछ ऐड कर दें हर डिजिट में, मसलन मैं 3 ऐड कर देता हूँ तो ये क्या बन गया, 5, 7, 9, 11 एंड सो ऑन। वो कहते हैं जो नए नंबर है ना ये भी एपी है, कैसे पता चले जी, इनका डिफरेंस देखें 2, इनका डिफरेंस देखें 2, इनका डिफरेंस देखें 2, और वो कहते हैं कि कॉमन डिफरेंस भी सेम ही होगा, एपी बन जाएगी और कॉमन डिफरेंस भी सेम होगा। सम टाइम किसी थ्रेटिकल टाइप के क्वेश्चन में एग्जामिनर इस तरह की बातें कर लेता है, मैं फिर रीड कर रहा हूं, इफ अ कॉन्स्टेंट इज एडिड और सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म ऑफ एपी द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन विल ऑल्सो बी एन एपी Having same common difference, clear होगी बात जी, ओके चलिए दूसरा, if each term of AP is multiplied by a constant, then the resulting progression will also be AP having common difference multiplied by that constant। देखिए जरा आइए जी, वो हमारी ऊपर वाली सीरीज थी ना, मैं दोबारा लिखता हूँ 2, 4, 6, 8 वो कहते हैं अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, मसलन मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 5 टू द 10, 20,
थर्टी फोर्टी, वो कहते हैं ये जो रिजल्ट पूरी पूरी को मल्टीप्लाई करना, वो कहते हैं जो रिजल्टिंग सीरीज आएगी ना ये भी ए पी होगी। कॉमन डिफरेंस कितना है? टेन टेन। वो कहते हैं असल में कभी आप इस कॉमन डिफरेंस को रिकनसाइल करना चाहें ना, तो क्या हुआ, पहले कॉमन डिफरेंस कितना था? टू, और आपने मल्टीप्लाई किससे किया? फाइव से। इसका मतलब है टेन ही आना था कॉमन डिफरेंस। यानी जब हमने सीरीज को मल्टीप्लाई किया किसी डिजिट से, तो जो हमारा कॉमन डिफरेंस था वो भी मल्टीप्लाई हो गया है उसी डिजिट से। हमने सीरीज को फाइव से मल्टीप्लाई किया ना, हमारा कॉमन डिफरेंस भी फाइव से मल्टीप्लाई। अगर मैं सीरीज को मल्टीप्लाई कर देता टेन से, तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी टेन से मल्टीप्लाई हो जाता। अगर मैं सीरीज को मल्टीप्लाई कर देता सेवन से, तो हमारा कॉमन डिफरेंस भी सेवन से मल्टीप्लाई हो जाता। मेरी बात फॉलो करें? तो असल में ये वाली बात हो रही। अच्छा जी, फिर आखिरी एक प्रॉपर्टी और, इफ ईच टर्म ऑफ ए पी इज डिवाइडेड बाय अ कॉन्स्टेंट देन द रिजल्टिंग प्रोग्रेशन विल ऑल्सो बी ए पी हैविंग अ कॉमन डिफरेंस डिवाइडेड बाय दैट कॉन्स्टेंट। देखिए जरा मैं इस पर एक्सप्लेन कर दूँ। चले मैं यहाँ दोबारा लिखता हूँ। हमारा ओरिजिनल था टू फोर सिक्स एट, मैं इसको टू से डिवाइड कर देता हूँ तो क्या आंसर आ जाएगा? वन टू थ्री फोर, यही होगा ना। एवरी डिजिट इज मल्टीप्लाइड बाय डिवाइडेड बाय टू, एवरी डिजिट इज डिवाइडेड बाय टू। इफ द होल सीरीज इज डिवाइडेड बाय टू, तो कहते हैं जो नई सीरीज आएगी ना ये भी एपी होगी। एपी कैसे पता चले? कॉमन डिफरेंस वन, कॉमन डिफरेंस वन, कॉमन डिफरेंस वन। वो कहते हैं असल में वन क्यों आया है? वो कह रहा है भाई आप इसको रिकनसाइल कर लें, आपका प्रीवियस कॉमन डिफरेंस क्या था? टू। आपने डिवाइड किया टू से, तो टू को टू से डिवाइड किया तो वन ही आना चाहिए था। इसका मतलब ये हुआ अगर पूरी सीरीज को हम मल्टीप्लाई कर रहे हों तो कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई हो जाता है, अगर पूरी सीरीज को हम डिवाइड कर रहे हों तो कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड हो जाता है। बात समझ आ रही है? अगर पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर रहे हों तो कॉमन डिफरेंस भी मल्टीप्लाई, अगर डिवाइड कर रहे हों तो कॉमन डिफरेंस भी डिवाइड, लेकिन अगर ऐड कर रहे हों तो कॉमन डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस ऐड नहीं होगा। अगर सब्ट्रैक्ट कर रहे हों तो कॉमन डिफरेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन डिफरेंस सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो एमसीक्यूज क्वेश्चन है ना, तवज्जो से चलना। एपी का 70% काम खत्म हो गया है। कल वैसे ही एज अ फॉर्मेलिटी हम छोटा सा कोई इसके साथ लिंक करेंगे एंड दैट्स इट। तो एपी कोई बहुत बड़ा सारा काम नहीं है। आप अपनी किताब के आखिर में जहाँ जिन जिन सवालों में एपी नज़र आए हम खुद भी डिस्कस करेंगे कल आपके साथ, तो आप देखिएगा कि बड़े आराम से भी क्वेश्चन होने शुरू हो जाएंगे। एक छोटी दो छोटी छोटी बातें भी हैं वो कल ऐड कर दूंगा मैं इसके अंदर ताकि आपको ऐसे ना लगे कि सर ने कोई बहुत तेज़ी से काम करवा दिया। नहीं, हमने बहुत तेज़ी से काम नहीं करवाया, चैप्टर ही आसान सा है। दो ये फार्मूलाज हैं, एक छोटी सी बात और आएगी, बस दैट्स इट। फिर इसी का रेप्लिका एक दूसरे स्टाइल में आएगा एंड दैट्स इट। तो बेटा बात वही है, हम डेली आपसे कहते हैं कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। ज़रा सी कुछ चैप्टर थोड़े से आए जहाँ थोड़ा सा आपको लगा कि अच्छा यार हाँ थोड़ी लर्निंग आ रही है, एनविटीज़ के अंदर जाके फिर मल्टीपल और फुला, चलो तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा आया, लेकिन ओवरऑल कोई इतना बड़ा एजेंडा नहीं है। आप बड़े आराम से कर सकते हैं, इजी वाले चैप्टर को ज़्यादा अच्छा तैयार कर लें, मैट्रिसेस को ज़्यादा अच्छा तैयार कर लें, चैप्टर नंबर टू को ज़्यादा अच्छा तैयार करें, चैप्टर नंबर फोर को ज़्यादा अच्छा तैयार करें। स्टेटिस्टिक्स वैसे ही बाई डिफ़ॉल्ट एज कम्पेयर टू मैथमेटिकल पोर्शन थोड़ी सी आसान है, उसको रिवाइज कर लें। इसलिए थोड़ी सी तवज्जो आपकी रिक्वायर्ड हो तो ये काम हमारा बड़े आराम से हो सकता है। तो सबसे पहले यही वाले क्वेश्चन रिवाइज कीजिए जो मैंने किए, इसके बाद हम यहाँ से आगे चलेंगे और इंशाल्लाह ताला फर्दर काम करेंगे। तो होती है जी कल मुलाकात इंशाल्लाह। अब आसान काम शुरू हो गया, अब जरा आप टेंशन से बाहर आ जाएं। चलें जी, अल्लाह।